नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका इस चैनल पर। तो आज हम आपके लिए बहुत ही जरूरी सूचना लेकर आए। सूचना ये कि एचपी सेक्रेटरी द्वारा हिमाचल प्रदेश सचिवालय द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी की गई है। कौन इसके लिए अप्लाई करेंगे वो हम आपको बता देंगे। इसकी लास्ट डेट है 8 जुलाई 2019 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकती है, आपको बधाई हुई है। और ऑनलाइन इसके लिए आप अप्लाई करेंगे वो हम आपको बता रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। अब एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, शिमला की ये नोटिफिकेशन है। और इसकी जो लिस्ट बनेगी मेंस की, जब आप अप्लाई करोगे उसके बाद अगर आपकी फॉर्म रिजेक्ट होती है तो उसके बारे में जानकारी आपको 9 जुलाई को दी जाएगी। अब पोस्ट कौन सी वो हम आपको बता देते हैं। और पूरी जानकारी के लिए हिंदी में सब कुछ आप खुद वीडियो को रोककर आप पढ़ सकते हैं। लॉ ऑफिसर की पोस्टें भरी जाएंगी, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्टें भरी जाएंगी, ठीक है। कनिष्ठ अनुवादक के लेपे की चौकीदार की पोस्टें भरी जाएंगी। इसका एग्ज़ाम कब है, जैसे लॉ ऑफिसर कहते ही रहा था 2019 को 11 से 1 बजे तक आपका एग्ज़ाम होगा। असिस्टेंट जो लाइब्रेरियन, इसके लिए आपका 14/7/2019 को 3 से 4:30 बजे एग्ज़ाम है। और कनिष्ठ अनुवादक की जो 14/7/2019 को 12:30 बजे से 2 बजे तक आपका एग्ज़ाम होगा। और लिपिक जो क्लर्क है, इसके लिए आपका 10 से 10:30 बजे आपका एग्ज़ाम होने वाला है। चौकीदार के लिए 13/7/2019 को 13 जुलाई को आपका 3 से 4:30 बजे इसके लिए एग्ज़ाम होगा। स्थान है आपका हिमाचल प्रदेश विधानसभा परिसर शिमला। अप्लाई करने के लिए वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर आ रही है, evidhansabha.nic.in। अगर आपको लिंक चाहिए वो कमेंट करना, मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में इसका, या कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट के साथ है तो कमेंट आप जरूर करना। और जो भी आपको पूछना है कुछ आप कमेंट करिएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको दे देंगे। अब जो मेन होता है कि एज क्या चाहिए, तो एज आपके 18 से 45 साल होगी और 1 जनवरी 2019 से आपको एज जो आपकी काउंट गिनी जाएगी वो, ठीक है। 3 साल के लिए ओबीसी के लिए छूट होगी, एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट होगी। तो एससी एसटी वाले 50 साल और जो ओबीसी से वो 48 साल तक इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब हम आपको डिटेल से बता देते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी हुई है। लॉ ऑफिसर जो, इसके लिए आपके चैनल कैटेगरी की ये पोस्ट है, मीन्स कि आप अप्लाई तो हर कोई इसके लिए कर सकता है, परंतु जो इसका सिलेक्शन होगा तो वो कैटेगरी होगी चैनल। तो इसके लिए आप अगर एससी एसटी ओबीसी से हो तो फिर अप्लाई आप जरूर कर सकते हैं, परंतु आपका सिलेक्शन जो होगा चैनल कैटेगरी से होगा, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिएगा। सैलरी आपकी स्क्रीन पर आ रही है। इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, आपकी लॉ में डिग्री आपके पास है और 3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस है आपको, ठीक है। प्रिसाइडिंग एडवोकेट के रूप में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और उसके बाद कस्टम मैनर्स एंड डायलेटिक्स, ये हिमाचल प्रदेश के रीति रिवाज बोली भाषा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब इसके लिए जो आपका टाइम है, रिटन एग्ज़ाम और स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, इसके लिए 100 मार्क्स का 2 घंटे का टाइम होगा और 80 क्वेश्चन आपको इसमें आएगा एमसीक्यू में। और इसके बाद जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश के क्वेश्चन आपको आएंगे, उसके बाद करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे और 15 नंबर के आपको ये आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा, जो भी जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ रही है, ठीक है। अब जो मेन है कि इसके लिए फीस क्या है, तो चैनल से जो लोग हैं उनके लिए 600 रुपये और जो रिजर्व है उनके लिए 150 रुपये इसमें फ़ीस होगी। रिजर्व मेन की जो कैटेगरी से है किसी, वो उनके लिए इस प्रकार से 100 रुपये फीस है। जैसे सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3rd की है, कैटेगरी 3rd की पोस्ट है, सैलरी आपकी स्क्रीन पर आ रही है, एक पद है इसके लिए और ये भी चैनल के लिए है। इसके लिए आप मान्यता प्राप्त संस्थान से लाइब्रेरियन साइंस में डिप्लोमा के साथ +2 उत्तीर्ण होना चाहिए, यह आप हिंदी में नोट कर लीजिएगा। और इसके लिए आपका रिटन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा 85 मार्क्स का, 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, 50 क्वेश्चन आपको आएंगे लाइब्रेरी से रिलेटेड और पूरी जानकारी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसके बाद जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज के आपको 20 क्वेश्चन इसमें आएंगे 20 मार्क्स के, ठीक है। और मिनिमम 50% मार्क्स आपके रिटन टेस्ट में होने चाहिए और पूरी जानकारी आपकी जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। 15 नंबर का आपका फिर इंटरव्यू, सॉरी डॉक्यूमेंट्स की जो वेरिफिकेशन होती है वो आपको पता है, जैसे IRDP से तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा, उसी प्रकार से सब कुछ होगा। 400 रुपये इसके लिए फीस जनरल की और 100 रुपये लाइब्रेरियन की फीस, जनरल जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए फीस रहेगी, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अनुवादक की ये पोस्ट भरी जाएंगी, ठीक है। इसके बारे में आपको चाहिए जानकारी चाहिए तो आप स्टार्टिंग पर देखिएगा सीरियल नंबर 3 पर, तो 3rd ग्रेड की पोस्ट होगी, सैलरी आपकी स्क्रीन पर, एक पद अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए इसमें और एक पद जनरल कैटेगरी के लिए एक पोस्ट, इसके लिए आप अप्लाई जरूर करेगा, परंतु ये भूतपूर्व सैनिक जो है हिमाचल प्रदेश के उनके लिए ये रिजर्व है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी भी अंग्रेजी विश्व सहित स्नातक या
तो क्वालिफिकेशन आपके पास होने चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए और हिंदी या इंग्लिश में आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और कला विज्ञान कौन कौन क्या क्या होना चाहिए इसमें आप उसको नोट कर लीजिएगा, टाइम बहुत हो रहा है। रिटन एग्ज़ाम होगा आपका 85 मार्क्स का, 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, 50 नंबर की आपको क्वेश्चन आएगी किस प्रकार से वो आप देख लीजिएगा। और उसके बाद आपका 35 नंबर के आपको क्वेश्चन आएगी MCQ, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, जनरल हिंदी एंड जनरल ग्रामर के आपको क्वेश्चन आएगी, बाकी सेम सब कुछ इसी प्रकार से आपका रहेगा। 400 रुपये जनरल की फीस है, 100 रुपये रिजर्व कैटेगरी की है OBC SC ST की। उसके बाद जो क्लर्क की पोस्ट हैं ये भरी जाएंगी, परंतु ये सिर्फ अन्य OBC के और भूतपूर्व सैनिक के आश्रितों के लिए। तो पोस्टों की जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो है आपकी स्क्रीन पर आ रही है, एक पद है, परंतु ये भी OBC है और OBC में भी उन लोगों के लिए जो भूतपूर्व सैनिकों के जो आश्रित है, जो अनुकंपा आधार पर है, जिनकी नियुक्ति होने वाली इसमें जो भूतपूर्व सैनिक है। केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या इसके समक्ष परीक्षा पास की होनी चाहिए और अंग्रेजी टंकर में 30 शब्द प्रति मिनट, तो इसका आपका फिर ये टाइपिंग टेस्ट होगा, 30 वर्ड इन इंग्लिश आपको ये होगा और 25 शब्द आपको हिंदी में टाइप करने पड़ेंगे, तो इस प्रकार से आपको होगा ये। रिटन एग्ज़ाम होगा आपका और इसके लिए आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा, 85 नंबर का आपका ये एग्ज़ाम होगा और पूरी जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ रही है। फीस सेम रहेगी, 400 जनरल और 100 रुपये रिजर्व कैटेगरी के। उसके बाद चौकीदार की वैकेंसी है भरी जाएंगी, फोर्थ ग्रेड की पोस्ट है, पोस्ट कैटेगरी की वैकेंसी है और कुल जो पोस्ट है वो है, टोटल वैकेंसी जो है वो आपकी दो रहेगी, एक पद सामान्य श्रेणी के लिए मीन्स के जनरल कैटेगरी के लिए और एक पद अनुसूचित जाति के भूतपूर्व सैनिक के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होगा और इसके लिए आप 8वीं पास होने जरूरी है, ठीक है। 8वीं पास से आप तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, 8वीं पास इसके लिए होना चाहिए चौकीदार के लिए। रिटन एग्ज़ाम होगा आपका 85 मार्क का, 85 नंबर का और 90 मिनट आपको टाइम मिलेगा। जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश इसमें आपको आएगा, तो ये सब कुछ इसमें होगा, ठीक है। बाकी आपका इंटरव्यू डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी, इसमें इंटरव्यू नहीं बताया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से होगा, 200 रुपये फीस होगी आपकी जनरल की और 50 रुपये फीस होगी आपकी रिजर्व कैटेगरी के लिए। और क्या क्या आपको करना है उसके लिए आपको वेबसाइट बता दी, eVidhanSabha.nic.in, उस पर जाएगा और अप्लाई करने से पहले आपको बताया हुआ है कि पूरी जो इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो करिएगा, तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा, हिंदी में आपको सब कुछ दिया हुआ है वो आप देख लीजिएगा। कैंडिडेट शैल अप्लाई थ्रू ऑनलाइन मोड, तो ये आपकी ऑनलाइन आप इसके लिए अप्लाई करोगे। वेबसाइट आपकी eVidhanSabha.nic.in, 8 जुलाई इसके लिए लास्ट डेट है, 5 बजे तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, राशि आपके पास होना चाहिए। तो कोई इसमें जो ये सब कुछ आपने नहीं किया तो फिर आपको रिजेक्ट इसमें कर दिया जाएगा। तो ये है जरूरी सूचना आपके लिए और नोट ये डी विल बी पेड अटेंडिंग द इंटरव्यू, ये सब कुछ आपको बताया हुआ है, तो कुछ इंस्ट्रक्शन है इनको आप पढ़ते जाइएगा और जो भी जानकारी चाहिए उसके लिए आप अब अप्लाई कर सकती है। यही नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए कमेंट करना या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम आपको दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर आइएगा, ज्वाइन करिएगा ग्रुप को और जो भी जानना है उसके लिए आप कमेंट हमें जरूर करिएगा।